हेलो एंड वेलकम गाइस। आज मैं जा रहा हूँ दोसा, यहाँ से 200 किलोमीटर केरली से, और सारा ट्रेवल में लिफ्ट मांगने की कोशिश करूँगा, पूरी लिफ्ट लेके जाऊँ, 1 रुपया भी खर्च ना हो। चलो चलते, लिफ्ट मांग के जा रहा हूँ इसी बोर्ड के सारे। क्या ये बोर्ड मेरे को लिफ्ट दिला सकता है? ये लिखा है मैंने घर पे मैन्युफैक्चरिंग, मतलब घर पे लिखा था, और अब इससे लिफ्ट मांगने की कोशिश करता हूँ। तो फाइनली गाइस पहली लिफ्ट मिल चुकी है, आप देख सकते हैं पीछे तेजाजी का सर्किल है, और सर्किल तक मैं आ गया। पहली लिफ्ट लेके भैया ने बाइक पर लिफ्ट दी थी, वीडियो नहीं बना पाया वो उनकी, लेकिन आगे वीडियो बनाऊंगा। मैंने मेरे को पहली लिफ्ट दी है, देख लो मैं पूरा बाईपास आ गया। अब यहाँ से मैं सीधा मालपुरा के आसपास तक लिफ्ट लेके देखता हूँ, ठीक है? तो चलो चलते हैं, लिफ्ट मांगते हैं। कहाँ जाओगे भैया? कहाँ जाओगे? नहीं जाओगे बाकी? भैया ये मेरे को भैया मिले, इन्होंने मुझे लिफ्ट दी है, और अभी मैं केकड़ी के बाहर आ चुका हूँ। क्या कहना है आपको? प्रेमराज गुजर है, और केकड़ी क्या आपको? लेकिन मैं भी केकड़ी का ही हूँ भैया। अभी ट्राई कर रहा हूँ मैं कि क्या मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो तो अभी दूसरी लिफ्ट है मेरी, तो जब मैं करते भैया। देखा भैया किस प्रकार से केकड़ी से बाईपास से मेरे को लिफ्ट मिल गई, और उन्होंने मेरे को फैक्ट्री तक छोड़ दिया। अब आगे की लिफ्ट में फिर मांगता हूँ, कुछ तो पैदल चलना पड़ेगा, और उम्मीद करता हूँ वैसे मिल जाती है लिफ्ट। इतना हार्ड नहीं लगा मेरे को, देखो दूसरी लिफ्ट मिल गई मेरे को, सेकंड बार ही रोका, दूसरी बार हार डाल के दूसरी बार में मेरे को बैठा लिया। केकड़ी जिले से आगे मैं नैकी गांव को क्रॉस कर दिया, एक अंकल ने मेरी हेल्प करी थी, इन्होंने मेरे को लगभग बाईपास से थोड़ा सा और आगे से ही छोड़ा है, फैक्ट्री के आगे से इंडस्ट्री एरिया से मेरे को पानी निकाला, नैकी छोड़ दिया। तो अभी हम लिफ्ट रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको पैदल चलना पड़ेगा, देखो ठीक है। तो भैया ने मेरे को लिफ्ट दे दी है, क्या नाम भैया आपका? संजय वर्मा है भैया का नाम। भैया ने मेरे को पहली बार लिफ्ट नहीं दी थी, क्योंकि पास में गए थे, अभी मेरे को वहाँ पे लिफ्ट दी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। इन भैया के साथ आया हूँ, और इन भैया ने मेरे को लिफ्ट भी दी और चाय भी पिला रहे। तो आप भी अगर जाना घूमना चाहते हो तो ऐसे घूमो, आपको भी चाय नाश्ता सब मिलेगा, ठीक है भैया? सब मिलेगा। और ये भैया फाइनेंस में काम करते हैं, ग्राम शक्ति फाइनेंस है। अभी जो भैया मेरे को मिले थे ना, उन्होंने मेरे को जूनिया के आगे पहुँचा दिया, और जूनिया क्रॉस मतलब मेरे को जूनिया के आगे छोड़ के चले गए, और बोला कि ठीक है भैया आपकी यात्रा अच्छी हो, आपको लिफ्ट मिला, लिफ्ट मिले। तो भैया मेरे को एक उन भैया ने मेरे को लगभग 30 से 32 किलोमीटर की लिफ्ट दे दी है, मालपुरा क्रॉस करा दिया, और अब मैं जा रहा हूँ सीधा कांगड़ा की लिफ्ट लेने के लिए, कि सांगड़ा देर तक या डिग्गी माल डिग्गी फागी कहाँ तक लिफ्ट मिलती है। चलो चलते हैं। तो मेरे को 7 दिन लिफ्ट मिल चुकी है भैया, और भैया के नाम क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंतराज चौधरी है। ये भैया अंतराज चौधरी भैया का नाम है, कौन सा गाँव है आपका? मैं रहता यही मालपुरा के ही है, और मेरा गांव पास में ही है यहाँ। अभी आप गांव जा रहे हो या जॉब वगैरह से? नहीं, जॉब का संडे है ना। हाँ हाँ, टीचर हूँ। अच्छा टीचर हो, बढ़िया यार। तो भैया मैं मालपुरा क्रॉस कर दिया, और भैया ने मालपुरा लिफ्ट दी, कहाँ तक छोड़ दोगे भैया आपको? मैं टोल तक छोड़ूंगा, ठीक है भैया? टोल तक भैया मेरे को छोड़ देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। मालपुरा के आगे टोल प्लाजा क्रॉस कर चुका हूँ, और मैं लगभग 1.5 घंटे में केकड़ी से यहाँ आ गया। देख लो आप भाई, 1.5 घंटे में देखो लिफ्ट मिल गई, और 7 लिफ्ट ले चुका हूँ उसे, 6 या 7 लिफ्ट हो गई है। तो आप देख लो मजा आ रहा है, सबसे जान पहचान हो रही है, आप भी करना चाहते करना कोशिश।
अभी मैं लिफ्ट नहीं ले रहा क्योंकि थोड़ा सा मैं चलना चाहता हूँ कि सर्दी लगने लगी थी यार। और ये आप देख सकते हो मेरे पीछे काजरी अनुसंधान केंद्र है जहाँ भेड़ों का अनुसंधान केंद्र है पूरे राजस्थान में। एक पहला ही शायद ये एक ही है। चलो चलते हैं। क्या नाम भी आपका? औरत भी है, इन्होंने मेरे को लिफ्ट दी है, वो भी आप देख सकते हैं उनके पास। यात्रा रेनवाल 100 किलोमीटर मैंने निकाल लिए, लोगों की मदद ले लेंगे, लोगों ने हेल्प भी करी और कुछ लोगों ने चाय नाश्ता भी कराया। और अभी मैं सीधा जा रहा हूँ दोस्ता के लिए। अब दोस्ता हाईवे पे आ गया हूँ, मेरे भी हाईवे पे। और हाईवे पे अब देखते हैं किसी न किसी से लिफ्ट लेंगे।
200 किलोमीटर ट्रेवलिंग कर ली और 200 में पहुंच गया फाखरी का। देख सकते हो कि 200 सिटी है और 200 जिला सेशनल न्यायालय 200 है। अभी तक मैंने 1 रुपये भी खर्च नहीं किया, सबसे बड़ी बात 1 रुपये याद भी नहीं किया। अब देख सकते 200 किलोमीटर के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करा। तब मैं 200 आ गया और अब 200 में जो भी घूमने का पैलेस है और मंदिर है, बावड़ी है, तो बेंदीपुर बालाजी के भी जाएंगे और बावड़ी में देखेंगे बावड़ी का दृश्य क्या है, कितनी बावड़ी इतनी फेमस है और आपको भी बताएंगे। तो आप यार सपोर्ट बनाए रखना गाइस। ये जो आप देख रहे हो सर्किल, ये सोमनाथ चौराहा है 200 में, तो ये हाईवे की तरफ जाता है, ये 200 मार्केट में जाता है। मैं रुकूंगा मेरी मौसी के घर पे।